हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज हम देखेंगे कि जैसा कि आप सभी का क्लास 11th का SOSC का क्या है, इंटरव्यू होने वाला है। जिन्होंने भी AFPS का एंट्रेंस एग्ज़ाम अपना क्लियर कर दिया है उन सभी का इंटरव्यू है। किसी का 14 तारीख का है, किसी का 13 तारीख का है, किसी का 15 का है, तो किसी का 16 का है। ऐसे सबके अलग अलग जो डेज हैं उन पर इंटरव्यूज़ हैं, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स मेरे साथ पढ़ते हैं वो। ठीक है, तो आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि आपका ड्रेस कोड जो है वो आखिरकार क्या होगा, बिकॉज बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि फिज़िकल भी एक ही दिन है एंड इंटरव्यू भी आपका एक ही दिन है। और अगर हम इंटरव्यू की नज़रिए से देखें तो इंटरव्यू में हमें हमेशा फॉर्मल ड्रेस पहनकर जानी होती है, जैसा कि मैंने आपको अपने इंटरव्यू सीरीज़ में बताया था। ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि फिज़िकल एंड इंटरव्यू दोनों एक ही दिन होगा। लेकिन अब जब बात ये आ गई है कि अगर हम फॉर्मल ड्रेस पहनकर जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोई पैंट पहनकर जा रहे हैं या फिर हम शर्ट पहनकर जा रहे हैं, तो हम किस तरह से अपना फिज़िकल जो है वो देंगे, क्योंकि उसमें देने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। एंड ऐसे ही सेम जो सिचुएशन है वो गर्ल्स के साथ है। गर्ल्स को मैंने कहा था कि अपना बहुत सिंपली बन के जाना है और जितना हो सके अपना कुर्ती वगैरह पहन के चले जाना, कुछ इस तरीके से मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस दी थी। तो अब कुर्ती पहन के फिज़िकल जो टेस्ट है उसे देना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसमें पुशअप्स भी करने हैं, सिटअप्स भी करने हैं, ठीक है, आपकी रनिंग भी होगी, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब करें क्या, अब ड्रेस कोड हम रखें क्या जो कि ऐसा हो, जो कि बिल्कुल मतलब इंटरव्यू में भी उसको सही ढंग से देखा जाए एंड उसको फिज़िकल टेस्ट देते हुए हमें दिक्कत ना हो। तो अब हमें ये चीज़ बहुत ध्यान से सुननी है। देखो, जो भी बच्चा इंटरव्यू देने जाएगा और जो भी बच्चा फिज़िकल देने जाएगा, वो ध्यान से इस बात को सुन लीजिए कि आपका ड्रेस कोड आखिरकार होने क्या वाला है। जो कि आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो उसे मना कोई नहीं कर सकता। देखो, आपको ना स्पोर्ट्स की जो ड्रेस होती है वो पहन कर जानी है। स्पोर्ट्स की जो कॉस्ट्यूम होती है आपकी, यानी कि जब हम किसी स्पोर्ट्स के गेम में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, उस टाइम पे हमारी जो ड्रेस होती है, हम जिस तरीके से ड्रेसअप करते हैं, यानी कि कंफर्टेबल जो हम कपड़े पहनते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल शॉर्ट्स पहन सकते हो, ठीक है, और जो टी शर्ट होती है वो पहन सकते हो, इस तरह से बॉयज़ एंड गर्ल्स भी इस तरीके से पहन सकती हैं, दोनों के लिए ही है ये, ठीक है। और जो शॉर्ट्स पहनना प्रेफर नहीं करता है वो लोअर पहन सकता है, जिसमें कि आप आराम से अपने जो फिज़िकल टेस्ट है उसको दे सकें। ये तो हो गई फिज़िकल की बात कि आपको फिज़िकल में तो ये ड्रेस पहननी ही होती है। अब इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू में भी आप यही ड्रेस पहनेंगे, क्योंकि वहाँ पर चेंज करने का कोई आपको टाइम नहीं मिलेगा या फिर आपको वहाँ पर जगह भी नहीं मिलने वाली है चेंज करने की, ठीक है। तो हमें चेंजिंग का ये झमेला रखना नहीं है, आपको अपनी स्पोर्ट्स ड्रेस जो है वही पहन कर जानी है, जिससे कि आप अपना फिज़िकल टेस्ट अच्छे से दे सकें, क्योंकि फिज़िकल टेस्ट में आपकी कैपेबिलिटी जो है वो देखी जाएगी एंड इंटरव्यू टेस्ट में आपकी जो भी मतलब किस तरह से आप सिचुएशन को हैंडल करती हैं, आपके बोलने का ढंग कैसा है, वो चीज़ें देखी जाती है। तो उससे आपके कपड़ों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है इंटरव्यूअर्स को। एंड अगर वो आपसे क्वेश्चन कर भी सकते हैं कि आपने ये ड्रेस क्यों पहनी, जबकि आप तो बड़े हैं एंड आपको पता है कि इंटरव्यू में जो है फॉर्मल ड्रेस पहनी जाती है, तो आप सिंपली उन्हें आंसर कर दीजिएगा बहुत पोलाइट बिहेवियर में कि जैसा कि हम आपका जो फिज़िकल है वो एक दिन है एंड इंटरव्यू भी आपका उसी दिन है, तो इस वजह से आपने फिज़िकल ड्रेस पहनी, वो सॉरी स्पोर्ट्स ड्रेस पहनी है। तो इस तरह से आप उनको बहुत पोलाइटली आंसर कर सकते हैं। क्लियर है? अब एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैंने क्लास 9th जो है आपकी, क्लास 9th यानी कि आपसे जो छोटी क्लासेस हैं, उनका AFPS का इंटरव्यू एंड फिज़िकल जो टेस्ट है वो दोनों के दोनों आपके हो चुके हैं। तो उनसे मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे कि उन्होंने इंटरव्यू में उनसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए और किस तरह के क्वेश्चंस थे, सारी बातें उन्होंने मुझे बताई थी। तो अगर आप चाहें कि ये क्लास 9th वाले बच्चों ने जो भी मेरे साथ जो शेयर है, इन्फॉर्मेशन शेयर किया है, वो मैं आप सभी को बताऊँ, जिससे कि आपके इंटरव्यू में हेल्प हो कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। एंड देन अगर आपने अभी तक इंटरव्यू सीरीज़ को नहीं देखा है तो फटाफट से जाके उसे भी चेक करो, उसकी भी लिंक मैं आपको कहाँ दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहाँ से जाके उसे देख लीजिए। और ये वीडियो मुझे बनानी है या नहीं, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो ही आपकी नेक्स्ट वीडियो जो है वो आएगी।
ठीक है, तो जाते जाते एक छोटा सा काम और कर सकते हैं आप, अगर वीडियो पसंद आई हो एंड आप सभी के लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें जो भी AFPS का इंटरव्यू एंड फिजिकल देने वाला है, ताकि आपके साथ उनका भी सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, और क्या करेंगे, अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, साइड में जो बेल आइकन उसे कर सकते हैं प्रेस, जिससे कि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहेगी। और फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए कि वीडियो बनानी है या फिर नहीं, और वीडियो कैसी लगी ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।